नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं IBN24 News। दोस्तों, इस समय बुड्ढाखेड़ा के पास ही आप एक हादसा देख रहे हैं और यहाँ पर एक होंडा सिटी गाड़ी जो कि बता रहे हैं कि पलट जाती है और बहुत ही बुरे तरीके से हादसा हुआ। भैया, कैसे हुआ हादसा ये वाला? वहाँ से मोड़ काट रहा था जी, ये खंबे पे आग लगी जी, खंबे से सड़ गिर गई जी, पलट गई जी। नहीं, मोड़ कैसे काट रहा था? मतलब वहाँ से मोड़ कहाँ से रहा था? वहाँ से आ रहा था जी, करनाल के तरफ आ रहा था। हाँ जी, तो यहाँ से भी डिवाइडर से कैसे आ गई? डिवाइडर से सीधा? डिवाइडर से ये तो पता नहीं, मैं तो अभी आया हूँ जी। अच्छा, तो पता नहीं कौन खड़ा था जी। कैसे कैसे हुआ हादसा भैया ये? वो एक टेम्पो वाला यहाँ खड़ा था जी, मैं वहाँ से खड़ा था, इधर ही आ रहा था। वो बंदा वो रहा टेम्पो वाला, जब जा रहा था तो उन्हें देखा वो पलटा है कि उन्होंने अपने टेम्पो आगे कर लिया, एक ही बंदे थे, वो बचाव हो गया, वो खम्बा से थोड़ा लग गया। अच्छा, खम्बे से टकरा के इधर आ गया। और बीच का सारा ये सारा डिवाइडर इसी ने तोड़ा है? ना, ये तो इससे पहले का टूटी हुई है। अच्छा, इससे पहले कराटा गाड़ी पलट गई थी गाड़ी है? हाँ जी, तीन पलटे लगे, तीन पलटे खाए गाड़ी। हाँ जी, तेज थी गाड़ी, 160 का ब्रेक था, बहुत तेज थी गाड़ी, 160। अच्छा, और एक ही जना चला रहा था इसको? हाँ, अकेला ही था वो तो, अकेला था। हाँ जी, तो क्या उसका क्या हाल है ड्राइवर का अभी? वो ठीक ठाक था, हल्का थोड़ा खरोंच सा लगा है, थोड़ा पैरों में चोट है। कहाँ पर गया ड्राइवर, कहाँ गया अभी? वो तो उसका मम्मी आया था, फिर चले गए घर। कितनी उम्र थी ड्राइवर की जो चला रहा था? मिनिमम होंगे 24-25 साल का। अच्छा, ये गाड़ी रुकी है ना? हाँ हाँ, तो ये खम्बे के कारण ही रुकी है। अगर ये खम्बा ना बीच में होता तो ये गाड़ी पता नहीं ये आगे कहाँ जाके रुकती। तेज थी बहुत ज्यादा गाड़ी, गाड़ी बहुत खम्बे की वजह से जाके यहाँ पे की वजह से रुकी है, मतलब तेज थी गाड़ी बहुत ज्यादा, रफ्तार की वजह से हुआ, रफ्तार की वजह से हुआ है। तो यहाँ पर फिलहाल बता दें कि आप गाड़ी फिलहाल देख रहे हैं, मैं आपको इसका नंबर फिलहाल दिखाने का प्रयास करूंगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं HR05BB8401 नंबर की होंडा सिटी गाड़ी आप देख रहे हैं, जो कि बुरे तरीके से पलटियां खा के, तीन पलटियां खाई हैं, जिसके बाद इसे सीधा किया गया है। ये पलट चुकी थी ये गाड़ी, और आप देख रहे हैं फिलहाल बता रहे हैं कि ड्राइवर फिलहाल सेफ है, लेकिन तेज़ रफ्तार कारण बताया जा रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये पीछे की ओर, मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, ये पीछे की ओर आप देख सकते हैं कि ये जो सड़क है यहाँ पर, ये खुली सड़क होती है, यहाँ पर इतना ट्रैफिक भी नहीं होता है कि, और यहाँ पर अमूमन जो है तेज़ रफ्तार के अंदर जो व्हीकल्स हैं वो लोग चलाते हैं जी। इसी के साथ खंबे से टकराई है, तो बता दें कि ये खंबे से ये टकराती है, जो खंबा आप देख रहे हैं ये इस खंबे से टकराई, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो खंबा है ये गिरती है, ये बहुत दूर जाके गिरती है गाड़ी, बहुत दूर जाती है। हाँ जी, इससे टकरा के रुक गई है, टकरा के रुकी है जी, रुकी है। तो अभी कितनी देर पहले हुआ हादसा ये? ये हादसा हो गया जी कम से कम 25 मिनट हो गए होंगे, 20-25 मिनट हो चुके हैं। और जो ड्राइवर है वो चला गया मौके? हाँ जी, से? वो मौके से ले गए। पुलिस वगैरह आई अभी मौके पे? नहीं, मौके पे भी पुलिस नहीं आई जी। पुलिस को जानकारी दे दी अभी? जानकारी तो दे दी है अभी तक, अभी कोई आया नहीं, कोई नहीं आया जी, पुलिस वाले वैसे लेट ही आते हैं जी। जी जी, और फिलहाल यहाँ पर जो देख सकते हैं कि जो गाड़ी का भी कोई सामान यहाँ गिरा हुआ है, शेडो, जो सन की शेडो होती है उससे बचने के लिए, और यहाँ पर फिलहाल इसी खंबे को तोड़कर ये गाड़ी जो है यहाँ पर पलटी, और बहुत ही ये हादसा जो है फिलहाल भयानक था, क्योंकि रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ थी गाड़ी की, आप देख लीजिए रफ्तार इतनी तेज़ थी, हालांकि अच्छी खासी मजबूत गाड़ी ये होती है, और फिर भी आप देख लीजिए गाड़ी के हालात जो है आप देख रहे हैं। हालांकि यही लोगों से हम निवेदन करेंगे, जो रफ्तार जो है उस पर फिलहाल जो काबू है ज़रूर पाएँ, क्योंकि तेज़ रफ्तार की वजह से ये हादसा फिलहाल हुआ है। और यहाँ पर फिलहाल जो आप देख रहे हैं कि गाड़ी जो है बुरे तरीके से डैमेज जो है फिलहाल हो गई है हर तरफ से, और गाड़ी पर आप देख लीजिए कि किस तरीके से, और इसलिए हम सभी से ये निवेदन करते हैं हमेशा कि देख सकते हैं कि गाड़ी का जो बम्पर्स हैं वो फिलहाल अंदर ही रखे गए हैं, दोनों एयरबैग्स भी ओपन हो चुके हैं। तो सभी लोगों से निवेदन हम हमेशा ये करते हैं कि आप गाड़ी चलाएँ, ध्यान से चलाएँ, क्योंकि इस जगह पर तेज़ रफ्तार में लोग वाहन चलाते हैं। ये रास्ता ग्रीन बेल्ट का है जो बुड्ढाखेड़ा की तरफ जाता है, कुंकरा रोड की तरफ, और यहीं पर यह हादसा फिलहाल हुआ है। हालांकि मौके पर अभी तक पुलिस जो है वो नहीं आई है। तो यहां पर फिलहाल देख सकते हैं कि काफ़ी भयानक हादसा, जिसमें फिलहाल व्यक्ति जो बता रहे हैं कि वो यहां मौके से जा चुका है, हालांकि उसे बता रहे कोई गंभीर चोटें उसे नहीं आई हैं। और हालांकि आपको बता दें कि पुलिस जो है अभी तक मौके पर आई नहीं है, अब लोग बोल रहे हैं कि पुलिस को जानकारी फिलहाल दे दी गई है, लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि डायल 112 भी है, डायल 112 को भी कॉल अभी किया कर दिया जी, कर दिया घर वालों ने। क्या बोल रहे हैं अभी, कितनी देर पहले किया था? आधा घंटा पहले। आधा घंटा, अभी तक आई नहीं डायल 112? अब तक कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया, आधा घंटा हो गया, मतलब अभी तक आधा घंटा हो गया, कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया हादसे की जानकारी देने के बाद भी? हाँ, हादसे की जानकारी उसकी मम्मी ने दी होगी, मैंने तो दी नहीं। अच्छा, आपने किसी ने नहीं दी? हमने मम्मी ने किया था फोन।
अच्छा उनकी तो मौके पर कोई आया था यहाँ पे उनके घर से कोई आया था? हाँ, इसके मम्मी और इसका भाई आया था। अच्छा, यहीं का रहने वाला है क्या वो व्यक्ति? आसपास का ही है? ये नहीं पता। जानकर किस पति? तो उसकी मम्मी ने दी थी 112 पे दी थी। आपने आप करा था ना फोन? लड़का ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों ने निकाला था उसको बाहर? तो यहाँ पर फिलहाल इन लोगों ने उसे बाहर निकाला, गाड़ी पलट चुकी थी। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन करेंगे गाड़ी को ध्यान से चलाएं, और यहाँ पर बता दें कि बहुत तेज़ रफ्तार में थी। आगे से मैं बता दूं, आप सामने एक बार हम दिखाना चाहेंगे कैमरे से, वहाँ से एक टर्न आ रहा है और कहीं ना कहीं बता रहे हैं वहाँ से गाड़ी आ रही है। फिलहाल हम अंदाज़ा ये लगाते हैं कि शायद तेज़ रफ्तार में गाड़ी थी, जिस वजह से टर्न पर वो अनबैलेंस हो गई। तेज़ रफ्तार में थी जिस वजह से इस खंभे से टकरा कर जो है खंभे को तोड़ती हुई यहाँ पर आती है। और एक चीज़ और बताई जा रही है कि इधर एक टेम्पू भी था जो कि जिससे ये ज़रा सी टच होती है, ज़रा सी टच होने के बाद आकर यहाँ पलटा खाती है। शायद वो टेम्पू वाला भी उस चपेट में जो था, थ्री व्हीलर वाला, वो आ सकता था, लेकिन फिलहाल उसका भी बचाव जो है वो रहा है। हालांकि वो मौके पर नहीं है क्योंकि उसके जो थ्री व्हीलर से ज़रा सी ये टच हुई थी, लेकिन फिलहाल काफ़ी मजबूत गाड़ी है। लेकिन जिस तरीके से हादसा हुआ है बहुत ही भयानक था, और तस्वीर कुछ और हो सकती थी अगर यहाँ पर वो बीच में खंभा ना आता। तो ये गाड़ी सीधा, लोगों ने कहा है कि ये गाड़ी सीधा यहीं पर, जो ये देख सकते हैं आप झाड़ियाँ हैं इसी के बीच में, झाड़ के बीच में खाली यहीं पर जा सकती थी और फिर जो है कोई और ही तस्वीर बन सकती थी हादसे की। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो है, फिलहाल अपील करना चाहेंगे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यहाँ पर यही कहना चाहेंगे कि तेज़ रफ्तार में गाड़ी ना चलाएं। तेज़ रफ्तार में गाड़ी चलाने के क्या नतीजे होते हैं ये हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। आपसे अपील करेंगे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, और फिर से जुड़ेंगे आई बिन 24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।